यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की ओर जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर सिर्फ 5 मिनट ही रहता है। दोस्तों 14 से 25 की वो उम्र होती है जिसमें या तो आदमी बिखर जाता है या फिर आदमी की जिंदगी निखर जाती है। दोस्त आज अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि कब तक फोकट रहूंगा, कब तक माँ बाप के टुकड़ों पर पलोगे, कब तक। एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भी भिखारियों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं, फिर सोचते हैं यार 5 मिनट कौन चला लेते हैं, फिर पढ़ते हैं और वो 5 मिनट घंटों में कब बदल जाते हैं फिर आपको पता भी नहीं चलता, और ऐसे पूरा दिन, पूरा महीना और पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। और फिर भी आप कहोगे कि यार कल पढ़ेंगे, ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा और एक दिन आपका ऐसा भी आएगा जब अगले दिन आपकी मौत हो जाएगी। या जब भी आप ये कहोगे या कल पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपके पास अभी टाइम बचा हो, क्या उस बचे हुए टाइम में आप ये कहोगे कि कल करेंगे। जरा एक बार उन लोगों की ओर भी देख लेना जो आपसे कई उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की, जो तुमसे कई उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। आज ही सोच लो तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, वरना ज़िंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ें हटा दो जो तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कि यार मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं कहता हूँ कि तू थोड़ी कोशिश तो कर, अगर तुम 2 मिनट भी पढ़ पाए तो मैं आपके अंदर वो फीलिंग आएगी जो आपको 2 घंटे पढ़ने पर मजबूर कर देगी। और वो हरीश वन शंकर राय जी ने क्या बात कही है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।